हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग. आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल. आपको सब सुनाई दे रहा है प्रॉपरली? यस मैम, प्लीज. ओके, सो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में है कि किस तरह से हमारी डाइट हमें हेल्प करती है कि हमारी जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो ना हो पाए, और अगर हमें हैं तो वो किस तरह से क्योर हो पाए. तो सबसे पहले बेसिकली होगा कि एक डाइट क्या है और एक न्यूट्रिशन क्या है. डाइट होता है जो हम लोग खाते हैं, नॉर्मली चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, सैलेड खाते हैं, आप क्यूकम्बर खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मोमोज, चटनी, आप अल्कोहल का कंजप्शन कितना कर रहे हैं, ये सब आपकी डाइट है. और एट द एंड हमें उससे क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहे हैं, तो ये सब हमारा न्यूट्रिशन है. तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें अपनी डाइट प्रॉपरली लेनी है ताकि हमें उससे मैक्सिमम और बेस्ट न्यूट्रिशन मिले जितना हमारे लिए नीड है. हर इंसान के लिए जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, न्यूट्रिशनल चार्ट होता है, वो डिफरेंट होता है. जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, जो वर्कर्स हैं उनकी कोई और रिक्वायरमेंट है. तो सबके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ में. तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें ताकि हमें एक न्यूट्रिशियस हमें उसका आउटपुट मिले और हमारी लाइफ बहुत ही हेल्दी और हैप्पी रहे. तो अब मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ. स्क्रीन विजिबल है? राइट अतिशा मैम, इट्स विजिबल. सो टुडे विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन. जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है. डाइट है जो हम लोग खा रहे हैं और न्यूट्रिशन जो हमें उससे मिल रहा है. तो बेसिकली टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीज. लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती है? जो हमें हमारे लाइफस्टाइल से होती है. हम लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल है. कौन कितना अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, ये उसका लाइफस्टाइल है. कोई बहुत ही हेल्दी लिविंग हैबिट्स फॉलो कर रहा है, वो उनका लाइफस्टाइल है. तो जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं हमें, उसे लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं. ओबेसिटी हो गया, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सब हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है. तो आज के हम अपने टॉपिक में बेसिकली चार लाइफस्टाइल डिजीज को कवर अप करने वाले हैं. ओबेसिटी, पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, थायराइड और डायबिटीज. आज हम इन चारों डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क मी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओबेसिटी. ओबेसिटी मतलब मोटापा, जो हम सबको ही पता है. अगर बीएमआई आपका 30 से ज्यादा होता है तो उसे ओबेसिटी कहते हैं. इसके लिए किसी को भी कोई लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको देखकर ही पता चल जाता है कि एक जो पर्सन है वो ओबेस है. अब एक कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए ही नहीं, एक इंसान को ओबेस नहीं होना है. कि कहते हैं कि जो हमारा एक बन चुका है कि पतला इंसान सुंदर है, कि ऐसा फिगर सुंदर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपका जो प्रॉपर आपकी वैल्यू है विस्ट्रल फैट की, जो आपके ऑर्गन्स को कवर करता है, किडनी को, लीवर को, और सबक्यूटेनियस फैट जो आपके बाहर से हमें दिखाई देता है, वो भी नीडेड है. आपका प्रॉपर वैल्यू होना चाहिए. तो अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा होता है. इंटरप्ट कर रहा हूं. हां जी हां जी, सेशन में थोड़ा सा पेस को थोड़ा सा स्लो करिए, क्योंकि मैं समझ आ रहे हैं तो अगर आपको लगता है आपको ओबेसिटी है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं ओबेसिटी के हमारे पास. सबसे पहले जेनेटिक. आपके फादर, आपके फोर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ओबेस थे, जिसकी वजह से आप ओबेस हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, आपका लाइफस्टाइल. हम लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, इस वजह से ओबेस हैं. हमारी ईटिंग हैबिट्स, हम लोग जंक खाते हैं, कोई न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते, प्रोटीन फाइबर का इनटेक नहीं करते, ये हमारा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हमें मोटापा हो रहा है, जिसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली हर आप कोई भी एक डाइट जिसे हम लोग कहते हैं वो फॉलो करेंगे, उसमें हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, कि आपको हर 2 से 3 घंटे में खाना है. अब हम लोग क्या खा सकते हैं, बिकॉज हम लोग ओबेस हैं अगर, और हमें ओबेसिटी से फाइट करना है, तो हमें इस तरह की चीजें खानी है जिसमें हमें ज्यादा न्यूट्रिशियस मिले, फाइबर मिले, और फैट का कंटेंट थोड़ा कम हो. तो हमें हर 2 घंटे में जो खाना है वो क्या खाना है,
हम सैलेड खा सकते हैं, जैसे हम लोग एप्पल खा सकते हैं, क्यूकम्बर खा सकते हैं. जो एप्पल होता है वो नेगेटिव कैलोरी होता है, मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारे कैलोरीज कंज्यूम कर लिया, आप एप्पल खाते हैं तो जितनी वो हमें कैलोरीज देता है ना उससे ज्यादा वो अंदर जाके बर्न करता है, मतलब उसके डाइजेशन में ज्यादा कैलोरीज चाहिए. तो आप एप्पल खा सकते हैं, आप खीरा खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, हर 2 घंटे में आप ये सब चीजें खा सकते हैं. आप सौते वेजिटेबल्स खा सकते हैं, रायतास खा सकते हैं, ये सब चीजें आपको लेनी है. फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, हर 2 से 3 घंटे में खाना है. हमारे आयुर्वेदा में लिखा है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड अ डिनर लाइक अ पॉपर. और एक स्टडी हुई है, क्लिनिकल स्टडी हुई है, जिसमें हमने 40 वुमेन को इस फॉर्मेट में रखा कि सबसे हैवी लंच दिया, फिर ब्रेकफास्ट दिया, फिर लंच और फिर डिनर, और एक को ऑपोजिट. तो जो हमें रिजल्ट मिला वो इस तरह का था कि जिन फीमेल्स ने ब्रेकफास्ट हैवी लिया, देन लंच एंड देन डिनर, उनमें 57% ज्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म हुआ और रैपिड वेट रिडक्शन हुआ इन कंपैरिजन टू द अदर ग्रुप. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो आपका ब्रेकफास्ट है वो कंपैरेटिवली हैवी लेना है अपने लंच से, और जो आपको डिनर है वो बहुत ज्यादा लाइट लेना है आपके ब्रेकफास्ट के कंपैरिजन में. तो हम लोग अपने डिनर में क्या क्या लाइट चीजें खा सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच से तो सब कुछ अवेयर होता है. प्रॉब्लम ये आता है कि डिनर में भूख भी लगती है, कुछ खाना भी है और खाना भी लाइट है. फ्रूट सैलेड्स ऑब्वियसली हम लोग खा सकते हैं, हम लोग सौते वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप घिया का रायता खा सकते हैं, टमेटोज का रायता खा सकते हैं, या फिर आप सूप पी सकते हैं. ओवरनाइट ओट्स आते हैं, आपको अपने जो ओट्स हैं उनको रात को भिगो कर रख देना है, और मॉर्निंग में आप उसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं, आप अनार ऐड कर सकते हैं, आप उसमें एप्पल्स ऐड कर सकते हैं. तो आप इन सब चीजों को खा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है आपको आपका वाटर का कंजप्शन, आपके वाटर का कंजप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको मिनिमम 2 से 3 लीटर वाटर जरूर कंज्यूम करना है. जब भी आप वाटर कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जब भी आप वॉशरूम जाएंगे, आपको एक अपनी हैबिट बना देनी है कि आपको 1 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना है. ब्रिस्क वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है. ब्रिस्क वॉक से हमारी बॉडी में मोबिलिटी आएगी, पहली बात, जो हम लोग ओबेसिटी का प्रॉब्लम है वो रिजोल्व होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो पूरा दिन बैठते हैं उससे हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम होने लग गया है, नेक का कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं है, थोड़ा अपना नेक रोटेट कीजिए. जो आपका लेग्स में आपको शियाटिका का प्रॉब्लम हो चुका है, आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते, हमारी नर्व होती है शियाटिका, उसका प्रॉब्लम हो चुका है. तो इन सबको क्योर करने के लिए आपको थोड़ी बॉडी में मूवमेंट लानी है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, और अपने लंच को लाइट रखना है. तो ये सब थे हमारे पास ओबेसिटी से फाइट करने के सॉल्यूशंस. बट रिमेम्बर, हर इंसान की बॉडी एक डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करती है, हर एक पर्सन का एक लाइफस्टाइल अलग होता है, उसकी बॉडी एक पर्टिकुलर डाइट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो अलग है. तो आपको अपने अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज प्लान चाहिए होगा. ये एक सब जर्नलाइज्ड ओवरव्यू है. तो अगर किसी को भी ओबेसिटी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, प्लीज कम फॉरवर्ड. हाय मैम, सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन. हेलो मैम, मैं बहुत टाइम से डाइट फॉलो कर रही हूँ, बट फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा. समटाइम्स मुझे चॉकलेट या मीठे की क्रेविंग भी होती है, बट मैं उसे कंट्रोल कर लेती हूँ, बट फिर भी मुझे डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहे अपने. सो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो उस रिगार्डिंग? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग हमारी कंट्री में डाइट एक सेलिब्रिटी की तरह है. न्यू डाइट्स हर रोज आते हैं और पुराने डाइट चले जाते हैं. आई एम फॉलोइंग अ कीटो डाइट, आई एम ऑन श्रेयास डाइट, आई एम ऑन आतिशास डाइट, आई एम ऑन पूजास डाइट. ये सब अलग अलग हम लोग कहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ. ओ माई गॉड, आई सॉ दैट लड्डू एंड द लड्डू वॉज कॉलिंग मी. ऐसा होता है ना, हम लोग क्रेव करते रहते हैं, हमारा मन करता रहता है, खाऊंगी तो दम लगाकर खाऊंगी और नहीं खाऊंगी तो मुंह बंद करके बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर आपको क्रेविंग होते हैं, जैसे आपने कहा कि आप क्रेविंग्स हो रहे हैं, आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा. फर्स्ट पॉइंट, डाइट एक लाइफस्टाइल चेंज है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द वेडिंग, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड अ किटी पार्टी. दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि डाइट एक एंटायर लाइफस्टाइल चेंज है. आपको वो डाइट फॉलो करना है जो आप अपने पूरे लाइफ फॉलो कर सके.
इसका मतलब ये नहीं है आप एक हफ्ते कर रही हैं, एक महीने कर रही हैं, नहीं। जिस चीज को आप अपनी पूरी जिंदगी कर सकते हैं वो आपकी डाइट होती है, जो आपके लाइफस्टाइल को बदल रहे। जैसा आपका क्वेश्चन था, मुझे चांदनी ने भी कहा था कि टॉपिक में हमें क्रेविंग्स का पार्ट को इंडल्ज करना है, तो अभी यहीं पर कवर अप कर लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको क्रेविंग्स होती है, तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कि आपको किस चीज का क्रेविंग है। जैसे अगर आपको मीठे का क्रेविंग हो रहा है तो आप डेट्स खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। खजूर का न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ज्यादा होता है, जो हम लोग बाकी बाहर का आइसक्रीम खाते हैं, जंक खाते हैं, इससे ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू होता है और वो हमारी क्रेविंग्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। सेकेंडली, अगर आपको फिर से मीठे का क्रेविंग होता है, आप खाने के बाद गुड़ खा सकते हैं। जो गुड़ होता है उसमें मैग्नीज का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो मैग्नीज होता है वो हमारे इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे हमारा इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी फर्दर डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी डाइजेशन अच्छी होगी और फर्दर हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। और जिनको एसिडिटी और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, अगर हम में से किसी को है, दैट इज आउटसाइड द टॉपिक ऑल्सो, बट दैट इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिजीज। जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है वो सब भी खाने के बाद गुड़ खा सकते हैं, ताकि आपका इंटेस्टाइन स्ट्रांगली वर्क करे और आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो, आपकी डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज हो और आपकी एसिडिटी का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कुछ तीखा खाने की क्रेविंग्स रहती है तो आप उस क्रेविंग को बिल्कुल रोकिए मत, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप क्रेव करती रह रही हैं और बिल्कुल नहीं खा रही हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको तीखा की क्रेविंग रहती है तो आप मूंग दाल स्प्राउट्स खा सकती है, चना स्प्राउट्स खा सकती है, आप उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लीजिए, सॉल्ट ऐड कर लीजिए, आप पुदीने का सॉल्ट बना सकती है। पुदीने के जो लीव्स होते हैं हमारे पास, मिंट के लीव्स होते हैं, उन्हें ड्राई कीजिए और ड्राई करने के बाद प्रॉपरली ग्राइंड करके उसमें आप सॉल्ट ऐड करके उसे भी खा सकती है। आप धनिया और पुदीना की चटनी बना सकते हैं, इसको भी आप अपने हर मील के साथ ले सकते हैं। उसके बाद रह गया आपका छाछ, जिसे हम लोग बटर मिल्क कहते हैं। बटर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, फर्दर आपकी एसिडिटी को रिजॉल्व करता है, डाइजेशन को एनहांस करता है। आप अपनी छाछ में, बटर मिल्क में थोड़ा सा जीरा ऐड कर सकती हैं, जिससे आपको जो भी तीखा और खट्टा खाने की क्रेविंग्स है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो जो भी आपको क्रेविंग्स रहती है उसका आपको सप्लीमेंट देखना है। फ्रूट्स में अगर आपका मीठा खाने का मतलब है, आप मन करता है, आप लीची खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, आजकल हमारे पास मैंगोस का सीजन है, आप मैंगोस खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपनी क्रेविंग्स को पूरी तरह से ही साइड कर दिया। याद रखना है कि अपना आपको एक एंटायर लाइफस्टाइल चेंज करना है। डाइट इज नॉट अ थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर अ सिंगल डे और अ वीक और अ मंथ, इट्स एन एंटायर लाइफस्टाइल चेंज। वी हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल टू स्टे फिट फॉरएवर। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा ओबेसिटी, जिसमें आपकी क्वेश्चन के साथ हमारा क्रेविंग्स का क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज डायबिटीज। अब डायबिटीज, जिंदगी में मिठास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अगर यही मिठास हमारी लाइफ को इफेक्ट करने लग जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है लाइफस्टाइल। बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें डायबिटीज होती है। डायबिटीज दो तरह की होती है, हम सबको पता ही होगा। जैसे एक होती है टाइप वन, एक होती है टाइप टू। टाइप वन होती है वो जुवेनाइल डायबिटीज, यूजुअली बच्चों में देखी जाती है, और टाइप टू होती है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। तो टाइप वन डायबिटीज होती है, आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आप अगर इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही है, दैट इज अ टाइप वन डायबिटीज। सेकेंडली है हमारे पास टाइप टू डायबिटीज, जिसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। इसमें इंसुलिन बन रही है, या तो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रही, या फिर जो हमारी जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है ग्लूकोज को। तो हमारे पास दो ये अलग अलग सिचुएशंस है। आपकी कौन सी डायबिटीज है ये इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाओगे। बट कॉमन चीज ये है कि आप, अगर आपको डायबिटीज है, आपका एच बी एवन सी, जो आपका 3 महीने का शुगर का लेवल है, वो कितना है एच बी एवन सी, जिसे हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, कि आपके ग्लूकोज, आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज बाउंड है, उसकी वैल्यू 3 महीने में कितनी आती है उस पर डिपेंड करता है। जामुन का सिरका, दैट इज जामुन विनेगर, दैट वर्क मिरेकल्स फॉर दिस डायबिटीज प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, 2 ढक्कन जामुन सिरका की बॉटल आती है, नॉमिनल प्राइस पर बॉटल आती है, आपको 2 ढक्कन जामुन सिरका खाने से पहले, अपने ब्रेकफास्ट और लंच से पहले 2 ढक्कन जामुन सिरका हाफ ग्लास वाटर में डालकर ले लेना है, ठीक है। जिनको भी डायबिटीज है वो जामुन सिरका, प्लीज मैं रिकमेंड करती हूँ, हाईली रिकमेंड करती हूँ, वो जामुन सिरका जरूर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मेथी दाना सीड। आप रात को सोने से पहले 2 चम्मच मेथी दाना अपने 3 से 4 ग्लास पानी में डाल के रख दीजिए। मॉर्निंग में उस पानी को बॉइल कीजिए और उस पानी को कंज्यूम कर लीजिए।
ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस होगा और आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कि आपको कौन सा डायबिटीज है, अब डायबिटीज में क्या होता है, हम लोग इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, कई लोग डायबिटीज में बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं कि हमें कम खाना है नहीं तो हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है। डायबिटीज में खाना है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, क्योंकि अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, आप इंजेक्शन भी ले रहे हैं, आपको इंजेक्शन मिल रहे हैं और आपकी बॉडी में ग्लूकोज ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस है। हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन जब आपकी बॉडी का ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेल्स पाल्सी डिजीज हो जाती है। तो डायबिटीज में हमें क्या करना है, सबसे पहले जामुन सिरका लेना है अपने ब्रेकफास्ट और लंच से पहले। फर्दर ये डिपेंड करता है कि आपका HbA1c का लेवल कितना है। मेथी दाना सीड जरूर लेने हैं। थर्ड पॉइंट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू अवॉइड व्हीट, व्हीट जिसे गेहूं कहते हैं, जो हमारी इंडियन स्टेपल मील है, उसे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हम लोग जौ का आटा खा सकते हैं। जौ रिच इन फाइबर होता है आपका, जो आपको डायबिटीज में जो जिस भी तरह की प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, सुस्ती आना, जो ये सारी प्रॉब्लम होती है इससे सॉल्व करेगा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं तो जौ में बहुत हाई फाइबर कंटेंट होता है, ये कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को भी रिजोल्व करेगा। तो आपको एक सब्स्टिट्यूट भी मिल गया है आपके व्हीट का कि हम लोग जौ ले सकते हैं और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के साथ साथ जामुन सिरका और मेथी दाना लीजिएगा, तो ये आपकी डायबिटीज को प्रॉब्लम को रिजोल्व करेगा। एनीवन हैज क्वेश्चन रिगार्डिंग डायबिटीज? हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाय, वेरी गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन, यस मैम, मैम मेरे फैमिली में मेरे फादर को डायबिटीज है एंड उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। हाँ जी। तो मैम जिसकी वजह से उनका बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है एंड उनको काफी वीकनेस फील होती है, तो मैम इस केस में क्या करना चाहिए? जैसे आप, मैंने अभी आपको बताया कि हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं आपके फादर, अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो बॉडी में हमारे शरीर में खाने की वजह से ग्लूकोज बना है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अगर आपके फादर कुछ खा ही नहीं रहे हैं, बॉडी में कुछ बन ही नहीं रही है ग्लूकोज, और इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज तो है ही नहीं डाइजेस्ट करने के लिए ना हमारे पास, तो इसलिए बॉडी एक हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती है। मतलब बिल्कुल जो बॉडी का ग्लूकोज था वो भी खत्म हो गया, बॉडी के पास बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो आपको आपके फादर को छोटे छोटे मील्स लेने हैं, छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं, ताकि जब भी वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, जितने भी यूनिट्स की वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनका वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए जब भी वो इंजेक्शन लेते हैं। और अगर वो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, आप उनको मील्स नहीं दे रहे हो, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया कैन लीड टू बेल्स पाल्सी डिजीज। बेल्स पाल्सी डिजीज में क्या होता है, जो हमारे फेशियल मसल होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। मतलब जैसे हमारा इस तरह का फेस है, ये प्रॉपरली नहीं रह पाता, ये डिफॉर्म हो जाता है, तो उस केस में हमें बेल्स पाल्सी डिजीज हो जाता है। तो आप उन्हें मील्स प्रॉपरली दीजिए और उसके बाद उनका जो आपका इंसुलिन का ट्रीटमेंट रहता है वो स्टार्ट कीजिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से इसके रिगार्डिंग जरूर कंसल्ट कीजिए। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। ये पूछना था कि स्ट्रेस आल्सो कॉजेस डायबिटीज? हमारी बॉडी में स्ट्रेस हर चीज का मेजर फैक्टर है। बॉडी में कोई भी एक चीज सिर्फ एक चीज के साथ लिंक नहीं करती। मान लीजिए आपको ओबेसिटी है, बोलने के लिए तो आपको सिर्फ मोटापा है, पर उसके साथ 100 और बीमारियां जुड़ जाती है। मान लो आप नॉर्मली लीजिए, आपका ब्लड है वो आपकी पाइप से फ्लो करता है, आपको मोटापा है, आपके जो पाइप्स हैं उसके अंदर क्या है, फैट डिपॉजिट हो गया है, तो ब्लड जो ट्रांसफर कर रहा है, प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा ब्लड को ट्रांसफर होने के लिए, राइट? तो ब्लड प्रेशर से ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। तो जो हमारी बॉडी में हर चीज होती है वो रिलेटेड होती है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो सकती है, डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज होती है। स्ट्रेस में डायबिटीज सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, फर्स्ट पॉइंट। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी जो कंडीशन है काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, आपकी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, आपकी बॉडी से जब आपका पिट्यूटरी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे हैं, सिमिलरली आपका इंसुलिन भी प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, जो एक तरह का हार्मोन है
जब ये प्रॉपर साइकिल नहीं रहेगा तो आपका डायबिटीज डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से कॉज कर सकता है, और स्ट्रेस की वजह से आपको पीसीओडी भी होता है जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट सम प्लेस इज लिंक्ड विद द स्ट्रेस. इज योर क्वेरी रिजॉल्व्ड? एनीवन? हां जी हां. मैम एक और चीज पूछनी थी कि स्ट्रेस के करके ही पीसीओडी होता है? नहीं, स्ट्रेस के करके ही पीसीओडी ऐसा नहीं कह सकते. स्ट्रेस इज अ फैक्टर दैट कॉज पीसीओडी. स्ट्रेस, जब हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी से लेप्टिन एक हार्मोन होता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है. स्ट्रेस में है, बॉडी से लेप्टिन रिलीज नहीं हो रहा, फैट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, हम लोग ओबेस हो रहे हैं, ओबेसिटी से फर्दर ये सारा साइकिल चल रहा है डिजीज का. अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेस है, स्ट्रेस से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, पिट्यूटरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा. हमारा जो पीसीओडी है वो एक हार्मोनल डिजीज है, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो इनके लेवल है ये ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होता है. अब जब आपका पूरा हार्मोनल बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको पीसीओडी होने के भी चांसेस है. पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपका स्ट्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है पीसीओडी के लिए. देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपको पीसीओडी कर सकते हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल. अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं रखते, अगर आप बहुत ज्यादा डाइट मीट खाते हैं, सी फूड्स खाते हैं जिसमें इंजेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा, उस वजह से भी आपको पीसीओडी हो सकता है. और कोई क्वेरी है मैम आपकी? नो मैम, थैंक यू. ठीक है जी, थैंक यू. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का थायराइड डिजीज. थायराइड डिजीज क्या होता है? इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा थायराइड ग्लैंड इफेक्टेड होता है. थायराइड ग्लैंड क्या है? हमारे यहाँ पर ना एडम्स एप्पल के नीचे एक ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो थायराइड कॉज करता है. अब थायराइड क्या होता है, दो तरह के होते हैं. एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो मतलब जिसमें आप बोलते हैं आपका वेट गेन हो रहा है, ठीक है. कहते हैं ना एक थायराइड से पतला होता है एक मोटा होता है. जो हाइपो होता है उसमें वेट गेन होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो डाउन हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया और आपने बहुत ज्यादा वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया. तो बेसिकली ये हमारे पास दो तरह के थायराइड है. अब थायराइड हो गया है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? थायराइड तो हो गया पर्सन को, ठीक है. अब हमें करना क्या है? थायराइड हो गया, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आपको क्या क्या नहीं खाना है. आपको गोइट्रोजेनिक और क्रूसीफेरस वेजिटेबल नहीं खाने हैं. आपको सोया नहीं खाना है, सोया नहीं खानी, सोयाबीन नहीं खानी, और सोयाबीन नहीं खानी तो सोया चाप भी नहीं खानी, न्यूट्री चंक्स भी नहीं खाने जो सोयाबीन से बनते हैं. ये सब चीजें हमें नहीं खानी है क्योंकि इन सब में सोया होता है. इसके अलावा आप सोया मिल्क भी नहीं ले सकते, आप गोभी नहीं खा सकते, आप कॉलीफ्लावर नहीं खा सकते, आप ब्रोकली नहीं खा सकते. आपको ये सब चीजों को अवॉइड करना है. कहते हैं कि थायराइड में आप खट्टी चीजें भी नहीं खा सकते हैं. अगर बेसिकली ये डिपेंड करता है दैट वेदर द खट्टी चीज सूट्स टू यू और नॉट. फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको सही लगता है तो आपको आपकी मेडिसिन से हाफ आवर या 40 मिनट से पहले, जो भी आप थायरॉक्सिन का खाली पेट मेडिसिन ले रहे हैं उसके हाफ आवर या 40 मिनट पहले आपको अपना ये खट्टा पानी लेना है. जैसे कि अगर आप नींबू पानी लेते हैं या एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, आप जो भी चीज लेती हैं आपको आपकी मेडिसिन के थायरॉक्सिन के कुछ टाइम पहले लेना है, ताकि आपकी जो मेडिसिन है वो खट्टा जो कहते हैं लेमन के साथ है, एप्पल साइडर विनेगर के साथ रिएक्ट ना करें और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें मीडियम लो चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें मोटे होते हैं ना, वो वाले थायरॉयडिज्म में बहुत ओके. तो जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म में आप लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें स्मॉल चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड होता है जो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और आपके हाइपोथायरॉयडिज्म का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है. तो थायराइड में हमें क्या करना है, कोरिएंडर वाटर पीना है, सबसे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हाइपोथायरॉयडिज्म और एनी काइंड ऑफ थायराइड इज टू हैव कोरिएंडर वाटर. कोरिएंडर वाटर क्या करता है, हमें आपको सुबह उठकर दो चम्मच कोरिएंडर को लेना है, उसे 6 ग्लास पानी में बॉईल करना है. इस पानी को आपको खाली पेट भी पीना है और फुल डे कंज्यूम करना है. इट ऑल्सो वर्क मिरेकल्स इन द केस ऑफ थायराइड, लाइक द जामुन सिरका वर्क इन केस ऑफ डायबिटीज. कोरिएंडर वाटर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोरिएंडर वाटर का कंजप्शन कीजिए. क्रूसीफेरस, गोइट्रोजेनिक, सोयाबीन, न्यूट्री चंक, सोया मिल्क,
हो गया, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, इन सब का कंजप्शन कम कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए तो आपका थायराइड का मेडिसिन भी छूट जाएगा, आपका थायराइड भी क्योर हो जाएगा बिकॉज थायराइड इज ऑल्सो रिवर्सिबल. एनीवन हैज क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? एक क्वेश्चन था. हेलो अतीशा. हेलो अतीशा, इन दोनों में कौन सा रिस्की है? आपने दो तरीके के बताए थायराइड, रिस्की कौन सा है? मैम इसमें कुछ हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन से तरह का थायराइड कम रिस्की है और कौन से तरह का थायराइड ज्यादा रिस्की है. हर डिजीज अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में रिस्की होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ऑटो, अगर आपका उसका लेवल बढ़ जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज ज्यादा हो जाती है तो वो आपको हैशिमोटो एक डिजीज होती है वो करती है. गोइटर का भी आपने सुना होगा, ग्रेव्स डिजीज भी सुना होगा हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में होती है. तो ये सब वो कंडीशन है, कोई भी डिजीज अगर हायर लेवल पर चले जाती है, हायर पेस पर चले जाती है, अगर आपका ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तब होती है. तो एवरी डिजीज इज डेंजरस इन इट्स एक्सट्रीमिटी. तो हमें डिजीज एक्सट्रीमिटी तक पहुंचने से पहले ही उसे क्योर करना है, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, एक प्रॉपर हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल बताना है ताकि हमें ना स्ट्रेस हो. आप एक न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है ताकि हमारी जो एक प्लेट है उसमें हमें सारा डाइट फॉलो करना है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिले ताकि हमारा सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. राइट. हेलो. हेलो, कैन आई आस्क यू समथिंग? या एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क दैट माय डैड इज हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म फ्रॉम लाइक last 10 years, 10 or so, okay. Even more than it. And recently, like last month, we had his tests done, and in that his value, TSH value was 0.09. Okay. He is taking a medicine of 137 mg. Okay. And he's losing a lot of weight. Like he's becoming weak. Yeah. Okay. So I need to know what should be done. ओके सबसे पहले तो मैम जैसे आपने बताया आपके फादर को बहुत टाइम से डायबिटीज है, आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है डायबिटीज की? थायराइड की कोई हिस्ट्री है आपकी फैमिली में? माय ग्रैंडमदर है. ठीक है, ग्रैंडमदर से आपके जीन्स में पहली बात तो थायराइड आया है. डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि थायराइड रिवर्सिबल है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, रिवर्सिबल है. जो आपके फादर है वो एक प्रॉपरली अगर अपना डाइट प्लान फॉलो करेंगे जिसमें आप अपना डे स्टार्ट करेंगे कोरिएंडर वाटर से, ठीक है, और ज्यादा देर एम्प्टी स्टमक ना रहकर वही हर दो घंटे में खाना है. इसके अलावा अगर उनका जैसे वेट लॉस हो रहा है, ना कि वेट लॉस हो रहा है, उन्हें हाइपर थायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, तो हमें उनको वो डाइट देना है जिसमें उनका प्रोटीन का भी कंटेंट फुल हो, हमें उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी देने हैं, फैट भी देने हैं. हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें नॉर्मल सैलड फ्रूट्स की, हाँ फ्रूट्स हेल्दी है वो दे दिए, सैलड हेल्दी है नहीं दे सकते. आप उन्हें नट्स दे सकती हैं, आमंड्स दे सकती हैं, चिया सीड्स आते हैं आजकल मार्केट में वो दे सकती. But one more problem is that he is having cholesterol high level also. Okay. अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी है. उन्हें और कोई प्रॉब्लम है आपके फादर को? नहीं. ठीक है, तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल है तो हम लोग नट्स को नहीं ले सकते हैं अगेन. ठीक है, हम लोग चिया सीड्स को आप फिर भी एक स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं बिकॉज चिया सीड्स आर रिच इन फाइबर. ठीक है, तो आप चिया सीड्स आपने पहले कभी यूज किए हैं? मतलब हमने किए, उन्होंने तो कभी नहीं. आप उन्हें चिया सीड्स दे सकती हैं. सेकेंडली आप आजकल जो हमारे पास सीजन है गोंद कतीरा का, गोंद कतीरा फाइबर रिच होता है, आप उन्हें वो भी दे सकती है. और आप उनका थोड़ा, जैसे आपने उन्हें बताया कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है? नॉर्मल रहता है. ठीक है, तो आप उन्हें थोड़ा आपका मिल्क का कंजप्शन भी उन्हें कम कराना है जिससे कि उन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है. तो बेसिकली जो उनका डाइट प्लान रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि मॉर्निंग में कोरिएंडर वाटर से उनका डाइट प्लान स्टार्ट होगा. कोरिएंडर वाटर जो है वो मेडिसिन के हाफ एन आवर बाद लेना है? आप उन्हें हाफ आवर पहले भी ले सकते हैं. अगर आप खाली पेट उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके हाफ एन आवर बाद दे दीजिए. अगर आप कोरिएंडर वाटर पहले देकर उन्हें बाद में मेडिसिन देना चाहते हैं, बोथ आर ओके. अगर आपके डायटिशियन या आपके न्यूट्रिशनिस्ट या आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आपको बिल्कुल एम्प्टी स्टमक लेनी है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको मेडिसिन लेनी है, तो आप उन्हें मेडिसिन दीजिए और उसके हाफ एन आवर बाद आप उन्हें कोरिएंडर वाटर दे दीजिए. राइट, उसके बाद आप उनका, अब वो डिपेंड करता है वो किस टाइम पर उठते हैं, इन सब फैक्टर्स पर आप उनका ब्रेकफास्ट, अब जो आपको ब्रेकफास्ट है वो आपको एक प्लैटर लेना है, एक कंप्लीट डाइट लेनी है. आई एम नॉट सेइंग डाइट का मतलब होता है कि कुछ नहीं खाना है. डाइट इज एंटी स्टार्वेशन फर्स्ट पॉइंट. डाइट का मतलब स्टार्वेशन नहीं है. जो आपका आपको प्लेट है उसमें आपको प्रोटीन भी देखना है, ठीक है, फैट भी देखना है, तो आप उन्हें एक चपाती, सब्जी, कर्ड, जो एक प्रॉपर हमारी इंडियन
प्लेट होती है वो फुल करके देनी है. अगर वो ब्रेकफास्ट में ये पसंद नहीं कर सकते, आप उन्हें पराठा बनाकर दे सकते हैं. फर्दर उन्हें जिस प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल का, तो आप घी नहीं देंगे उन्हें. नॉर्मली जो आपकी चपाती होगी उसमें स्टफिंग करेंगे, जैसे आपने गोभी की स्टफिंग कर दी, और आप उन्हें कर्ड और मिंट चटनी के साथ दे सकते हैं. इसके बाद फिर से आप उन्हें कोरिएंडर वाटर देंगी, और जो उनका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम है उसमें आप उनको सैलेड्स दे सकती हैं, सूप दे सकती हैं, रायतास दे सकती हैं. फिर आपका लंच रहेगा जिसमें आपको फिर से वो एक प्लेट में आपको सैलेड, दाल, रायता, चपाती, राइस, ये सब कुछ रखना है. जो आपकी इवनिंग रहती है, अगर वो कुछ वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं तो आप उन्हें एक तरह का चॉकलेट दे सकती है. डार्क चॉकलेट आता है हमारे पास, आप उन्हें वो चॉकलेट दे सकती है. जैसे हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस रह रहा है, जैसे अभी मैम ने पहले कहा कि डू स्ट्रेस कॉज पीसीओडी, तो जब हमें डिजीज होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, नेचुरली बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज करने के लिए आप उन्हें इवनिंग में चॉकलेट्स दे सकती हैं, चिया सीड्स दे सकती हैं, आप ये सब उन्हें दीजिए. और डिनर को फिर से थोड़ा लाइट रखने के लिए कोशिश कीजिए, हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, लाइट रखने की कोशिश कीजिए. सौते वेजिटेबल्स दे सकती है, रायतास दे सकती है, चपाती पसंद है चपाती भी दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं. बट एट द एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके फादर की डाइट होगी वो पर्सनलाइज्ड होगी, वो प्रॉपरली डिपेंड करेगी उनके लैब टेस्ट पर, उनकी लैब रिपोर्ट पर. ये सब एक, जैसे मैंने पहले कहा, जनरलाइज प्लान है. तो आप उनकी एक बार रिपोर्ट दिखाइए, जो भी आप डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करती है, ठीक है, आप उनको उनकी रिपोर्ट्स दिखाइए. अगर आप उनका ट्रीटमेंट कहाँ से चला है आपके फादर का? 40s, डॉक्टर मुरलीधरन. 40s है, यहाँ पे आप पीजीआई भी कंसल्ट कर, मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर डायटिशियन को नहीं बोलती, आप पीजीआई में डॉक्टर सुमिता मल्होत्रा है, शी इज अ रेनॉल्ड डायटिशियन, आप उनको कंसल्ट कर सकती है, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगी इसके रिगार्डिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. अगर हमने प्रोटीन ऐड करना हो, लाइक वे प्रोटीन और हिमालय का जो कुश्ता प्रोटीन आता है, एक्चुअली वे प्रोटीन से, वे प्रोटीन इज अ नेचुरल प्रोटीन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. बट वे प्रोटीन से आपको एब्डोमिनल इम्बैलेंस हो जाता है, कहीं को सूट नहीं करता, स्टूल का प्रॉब्लम, स्टूल्स ज्यादा पास आउट होने लग जाते हैं, बोवल मूवमेंट्स हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, एंजाइटी रहती है, या फिर हेडेक होता है. अगर उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होते, दे ही कैन स्टिल टेक वे प्रोटीन. अपार्ट फ्रॉम दैट अमाइनो कोलाजन एक प्रोटीन होता है, अमाइनो कोलाजन भी आप ले सकते हैं. जो अमाइनो कोलाजन है उसका प्रोटीन कंटेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है, वो नेचुरल प्रोटीन है, माइक्रोबियल प्रोटीन है, हमें माइक्रोब से मिलता है, दो वो थोड़ा स्मेल पुकिश करता है, बट एनीवेज इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आल्सो. ओके, थैंक यू सो मच. आई जस्ट हैड वन मोर क्वेश्चन. लाइक आई रिसेंटली गेन्ड वेट लाइक 4 to 5 केजीज एंड इन दिस लॉकडाउन पीरियड, तो उसकी वजह से अभी मैंने सारे टेस्ट करवाए एंड माय विटामिन डी लेवल वाज वेरी लो, लाइक नियर 8. B12 वाज वेरी लो एंड TSH लेवल वाज नियर 6. सो आई वाज क्वाइट टेंस्ड अबाउट इट. आई हैव नॉट डन द एंटीबॉडी येट. Okay, you have not taken any of the medicines. अच्छा, antibody test नहीं करा है. Okay. तो like anti-TPO नहीं. अभी आपका anti-TPO नहीं हुआ है. Okay, ठीक है. तो basically आपका PCOD वगैरह चेक हुआ है? Family में mother को किसी को PCOD का problem तो नहीं है? नहीं है, ठीक है. वो तो like I'm a pharmacist only. Okay. एक जैसे सेम उस पे रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं विटामिन डी और थायराइड, तो शायद उसकी वजह से होगा कि विटामिन डी लेवल बहुत लो हो गया नियर 8. ओके, उस वजह से आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि उस वजह से हो सकता है, बिकॉज़ आई वाज क्वाइट टेंस. अगर आपको अभी आपको लॉकडाउन के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ है कि पहले से था? पहले तो कभी भी नहीं आया. पहले कभी नहीं था, तो ठीक है, हम लोग एक नॉर्मल सी अपना वो फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको विटामिन डी कम कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, एज यू योर मैंने मेडिसिन शुरू कर दी. हाँ जी, आप विटामिन डी के विटामिन डी स्टार्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी बॉडी में लॉकडाउन में हम लोग बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए, बहुत सेडेंटरी हो चुके हैं, ठीक है, तो अपनी बॉडी में थोड़ी मूवमेंट लाइए, ठीक है. एक्सरसाइज एंड योगा वगैरह स्टार्ट कर दिए. आपको एक्सरसाइज और योगा स्टार्ट कर देना है. और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपको इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन भी लेना है. ऐसा नहीं है कि आप योगा कर रहे हैं और खा कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपको न्यूट्रिशन भी लेना है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, हेल्दी न्यूट्रिशन लेना है. इसके अलावा जो चीज आप कर सकते हैं अपने डाइट प्लान में एनरोल करने के लिए, कि फर्स्ट पॉइंट, अपनी बॉडी में मूवमेंट्स लाइए, अपनी बॉडी में फाइबर का इनटेक बढ़ाइए. आप
खीरा खा सकती हैं, जो खीरा होता है उसमें फाइबर का कंटेंट खीरा है 72% वाटर ओनली, आप वो खा सकती हैं। आप चुकंदर खा सकती हैं, आजकल चुकंदर का भी सीजन है। सिमिलरली आप चिया सीड्स खा सकती हैं, और ये सब चीजों को अपनी डाइट में आपको इंडल्ज करना है ताकि आपको ये सारे प्रॉब्लम ना हो। फाइबर थोड़ा इंक्रीज करके, जो हमें चिया सीड से मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, जिंक भी मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, हर 2 घंटे में खाना है। जूस के अलावा अगर आप नेचुरल फ्रूट्स लेंगी खुद से और तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज फ्रूट्स में ज्यादा फाइबर का कंटेंट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इनहांस होगा। तो आप जितना ज्यादा सैलेड फ्रूट अपने डाइट में इसका इंटेक बढ़ाएंगी, उतना ही ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म इनहांस होगा और उसी तरह उतना ही ज्यादा आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, जो आपका अभी ओवरवेट हो रहा है। मे बी आपका ओवरवेट की वजह से आपको थायराइड हो रहा हो, हाँ, तो आपका जो थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो रहा है, जितना भी आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, उसको बस हमें इसी जो ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन में हमें क्योर करना है। जो आपका टेक अपना विल इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आपको इसे ठीक करना है। तो जैसे जैसे आपका वेट डिक्रीज करता रहेगा, आपका थायराइड भी डिक्रीज करता रहेगा। और सिमिलरली जैसे आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपने स्टार्ट कर दिया है, तो जो हमारी बॉडी है, जो उसमें सिर्फ 28 हमारी जो बॉडी, इट्स लाइक अ बैंक, 28 साल तक की एज तक ही हमारी बॉडी में हम लोग जितने भी कैल्शियम ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हमारी बॉडी में रह रहा है। बट उसके बाद जब हमारे बॉडी में हमें पेन्स होने लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो अभी भी जितना भी आपके पास टाइम है, जो भी 28 की एज तक नहीं पहुंचे हैं, वो अपनी डाइट को प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर विटामिन लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एंड कैन आई लाइक कोरिएंडर वाटर ऐड कर सकती हूं मैं अपनी डाइट? जी डेफिनेटली आप कोरिएंडर वाटर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीरा का पानी, कोरिएंडर वाटर तो आपने सुबह पी लिया है ना, जीरे का पानी ऐड कर सकते हैं। आप 1 चम्मच जीरा लीजिए, उसे 3 से 4 ग्लास पानी में बॉइल कीजिए, इसे पी सकते हैं। अगर आपको जीरा पानी से एक पॉइंट हो गया, इसके अलावा आप पुदीना और नींबू के स्लाइसेस को चॉप करके एक बॉटल में ऐड करके रख दीजिए, उस पानी को पूरा दिन कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपके नॉर्मली डिटॉक्स वाटर, सुबह कोरिएंडर हो जाएगा, दिन में कभी भी जीरा वाटर। हाँ, सुबह आपने कोरिएंडर ले लिया और दिन में 1-2 बार कोरिएंडर ले लिया, बिकॉज हमने 2 से 3 ग्लास बनाया है ना, या फिर आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं तो आप ना कोरिएंडर मॉर्निंग में लीजिए और लंच में आप जीरा वाटर ले सकती हैं। ओके, एंड डैड को तो सिर्फ 2 बार देना है मॉर्निंग में। हाँ जी, आपने डैड को आपको कोरिएंडर वाटर देना है मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, एनीवन हैज एनी अदर क्वेरी? चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीसीओडी, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कहीं से कहते हैं कि ये अलग अलग है, अभी जो हमारी रीसेंट गाइडलाइंस आई है तो उसमें पीसीओएस के अंदर ही पीसीओडी आता है। पीसीओडी में क्या होता है, हमारे पास जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उसमें हमारी बॉडी बहुत सारे एग्स रिलीज करती है, वो एग्स कंबाइन करते हैं और सिस्ट बना देते हैं, जिसे हम लोग वाटर बैग कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम रहती है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि बॉडी एग्स रिलीज ही नहीं कर रही, जो हमारी ओवरीज है वो एग्स रिलीज ही नहीं कर रही। बेसिकली ये मेजर प्रॉब्लम है जब हमारे जो हमें इनफर्टिलिटी भी कॉज करती है, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हैं, कंसीव करने की सोच रहे हैं, उन्हें पीसीओएस है, उनकी कंसीविंग में ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली अगर आपको लग रहा है आपके फेस पर एक्ने आ रहे हैं बहुत ज्यादा अचानक से ही, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, थोड़े फेमिनिन करेक्टर्स कम हो गए, मैस्कुलिन करेक्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, मूड चेंजेस हो रहे हैं, कभी मूड बहुत अच्छा है, कभी मूड बहुत अपसेट हो रहा है, पीरियड्स में एक्सट्रीम पेन होने लग गई है, तो ये सारे हमारे पास पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सब चीजें लग रही हैं, आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो अपने पेल्विक रीजन का अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, अपने हार्मोनल लेवल चेक करवाइएगा, कहीं आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टिल अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज दैट इज रिवर्सिबल, तो उसका हमारे पास सोल्यूशन है। फर्स्ट थिंग, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हमें हार्मोन का इंटेक थोड़ा कम करना है, जिस भी चीज में हमें लगता है कि हार्मोन्स यूटिलाइज हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क है, मिल्क आजकल में नेचुरल मिल्क तो नहीं मिल रहा है, पैक्ड हम लोग मिल्क ले रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग जो काउज होते हैं उनको बोवेन ग्रोथ हार्मोन देते हैं, हम लोग उनको बोवेन ग्रोथ हार्मोन दे रहे हैं, वो काउज में जा रहा है, सिमिलरली वो काउज से हम में आ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जो पीसीओडी कोज कर रहा है और मल्टीपल
और डिजीज कॉज कर रहा है. फर्स्ट पॉइंट, मीट खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, जो भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, उसमें आपको लगता है कि एनिमल का वो इंजेक्शन दिए हो सकते हैं या कोई पोल्ट्री फार्म से चीज आ रही है, आपको लगता है इसमें एनिमल्स इन्वॉल्व है और आपको चांसेस है कि उसमें वो हॉर्मोन्स आप में चले जाए जो उन्हें हॉर्मोन्स दिए गए हैं. उन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. जिनको भी पीसीओडी है उन्हें स्टार्च नहीं लेना है, ज्यादा स्टार्ची चीजें नहीं खानी है, मैदा नहीं लेना है, बेकरी आइटम्स नहीं खानी है, पेस्ट्रीज नहीं खानी है हमें, रस नहीं खाने हैं, बिस्किट्स नहीं खाने हैं, ये सब चीजें नहीं खानी है, और जो भी पैक्ड फूड होता है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है. पीसीओडी में हमारे पास सोडियम जो होता है उसका रिटेंशन काफी ज्यादा हो जाता है, तो हमें वो चीजें लेनी है जिसमें थोड़ा कम सोडियम हो ताकि हमारी सिस्ट फॉर्म ना हो और जो सिस्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है उसका प्रॉब्लम हमारे पास रिजॉल्व हो जाए. तो हमें पीसीओडी में फर्स्ट पॉइंट मिल्क नहीं लेना है. अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको मिल्क सूट करता है सॉरी कि आपको मिल्क सूट करता है कि नहीं करता है, आप किस तरह का मिल्क ले रहे हैं. और अगर आप लोग मिल्क नहीं ले रहे हैं तो आप क्या ले सकते हैं, आप आमंड मिल्क ले सकते हैं, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं. ये सब मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आपको मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो हमें ये सब चीजें नहीं लेनी है. पीसीओडी एक सिर्फ नॉर्मल सी डिजीज है. आपको ओवरवेट लग रहा है पीसीओडी में आपको, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है. सिर्फ इसमें स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने की कोशिश कीजिए, दूध को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, स्टार्ची आइटम्स होती हैं उसे कम लेने की कोशिश कीजिए. कम लेने की कोशिश नहीं, बिल्कुल भी मत लीजिए, बेकरी आइटम्स मत लीजिए. और इस छोटी सी अगर आप बात को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका पीसीओडी क्योर हो जाएगा, चाहे आपको कितने भी टाइम से हो. ये एक बहुत ही छोटी सी बीमारी है जिसको आजकल लोग डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं है कि हमें ये हो गया, ये कुछ भी नहीं है. इट्स डेफिनेटली रिवर्सिबल और आपको इन छोटी सी बातों से आपके पीसीओडी से गारंटीड रिलीफ मिल जाएगा. बट हाँ, आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है. एक दिन, दो दिन, चार दिन ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी है. हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग की हैबिट को फॉलो करना है. एनीवन हैज क्वेरी? यस, हेलो मैम. हेलो, आई एम फ्रॉम लुधियाना, आई एम हरप्रीत. हां जी हरप्रीत बोलिए. मैम एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ना सिस्ट है मेरी ओवरी में. ओके, ये मुझे अभी थोड़े मतलब टाइम पहले ही पता लगा है, 7 सेंटीमीटर की सिस्ट है. ओके, मैंने कंसीव करना था. मेरी आई हैव वन बेबी. मैरिड है? अनमैरिड है? यस आई एम मैरिड. मेरी वन बेबी है 4 इयर्स की. हाँ जी. मैंने सोचा कि दोबारा मैंने कंसीव नहीं हो रहा. मेरे पेन, एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा थी मुझे, तो अच्छा, मैंने चेक करवाया तो मेरी सिस्ट निकली. ओके, सो मुझे उसकी मतलब इंजेक्शन लगा, एक इंजेक्शन है, मतलब मेरी मेडिसिन चल रही है. पीसीओडी के ना बेस्ट तो हर चीज के लिए एक प्रोडक्ट होता है जो बेस्ट होता है. पीसीओडी में जिंजर टर्मरिक टी बहुत अच्छा काम करती है. अभी समर्स है, अगर आपको याद, जो जिंजर टर्मरिक टी होती है वो गर्म तहसीर की होती है. पहली बार अगर आप जिंजर टर्मरिक टी ले रहे हैं तो आपको वाटर का इनटेक भी उतना ज्यादा ही करना है. ठीक है, वाटर का प्रॉपर इनटेक रखिएगा. याद रखिएगा जिंजर टर्मरिक टी गर्म है तहसीर में. अगर आप वो ले रहे हैं तो वाटर का प्रॉपर इनटेक रखिएगा. फर्स्ट पॉइंट, जिंजर टर्मरिक टी में आपको क्या करना है, जिंजर लेना है, फ्रेश जिंजर मार्केट में मिल जाता है. टर्मरिक, अगर आपको ऑर्गेनिक टर्मरिक भी मिल रही है, हल्दी जो दैट्स वेरी गुड. और जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च को भी आप प्रॉपरली क्रश करके इसमें ऐड करके डाल सकते हैं. ठीक है, सिनेमन, एक चुटकी दालचीनी, इन सबको प्रॉपरली आपको बॉइल करके अपने पानी में, एक कप वाटर में इसको प्रॉपरली बॉइल करना है. ओके मैम. बॉइल करने के बाद आप एम्प्टी स्टमक, अगर आपको सूट करता है, ओनली इफ द प्रोडक्ट सूट्स यू, तो एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं. नहीं तो इवनिंग में जब आप लोग चाय पीते हैं ना, सब इंडिया है, चाय तो सब पीते हैं ना. इवनिंग में जब भी आप चाय पीते हैं तो उस टाइम आप जिंजर टर्मरिक टी कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो जिंजर टर्मरिक टी गिव्स वेरी गुड रिजल्ट इन केस ऑफ पीसीओडी. जो आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं जब भी आपको पीरियड्स आते हैं, इरेगुलर है अभी आपके पीरियड्स? रेगुलर है. रेगुलर है, ठीक है. जब भी आपके पीरियड्स आते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तब भी आप जिंजर टर्मरिक टी पी सकते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे. इसके अलावा आप अपनी डाइट में होल ग्रेन,
पल्सीज, रागी, ज्वार, बाजरा. बाजरा तो भी नहीं खा सकते, वही गर्मी है, पर आप जौ खा सकते हैं. जौ बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया. और अपना जो वेट है, वेट को प्रॉपर कंट्रोल में रखना है, बिकॉज अभी आपको कंसीव करना है. कंसीविंग के टाइम पर भी अभी आपका वेट थोड़ा गेन होगा, तो अपने वेट को प्रॉपरली कंट्रोल में रखना है. और आपको ये जिंजर टर्मरिक आप ट्वाइस अ डे भी ले सकते हैं अगर आपको सूट करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि जिंजर टर्मरिक भी गर्म कर रही है और पानी पीने से भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप गोंदकतीरा खा सकते हैं. गोंदकतीरा ठंडा होता है. आप कोकोनट वाटर ले सकती हैं, कोकोनट वाटर भी ठंडा होता है. चिया सीड्स ले सकती हैं, चिया सीड्स भी हमारे पास ठंडे होते हैं. तो कोकोनट वाटर तो वैसे भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. तो आप ये सब चीजें अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकती हैं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू सो मच. एनीवन एल्स दिस क्वेश्चन? हेलो मैम. हेलो. हेलो हेलो मैम. मैम मैं लुधियाना से बोल रही हूँ. हाँ जी मैम, लुधियाना टुडे है ना मैम. एक्चुअली मुझे पीसीओडी था. अब 3 महीने से मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर है, बट मैम जो मेरा वेट गेन हो चुका है वो कम नहीं हो रहा. मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, बट वेट लूज नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, पहली बात, आप एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा कर रही हैं. एक्सरसाइज और योगा बहुत जरूरी है ऑब्वियसली हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए. बट इसके अलावा एक डाइट में क्या क्या खाती हैं आप, क्या क्या लेती हैं अपने खाने में, उसके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं नॉर्मल जो घर पे खाना बनता है. ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं. जैसे आप नॉर्मल एक्सरसाइज और योगा कर रही हैं, तो उसी के साथ आपको आपकी बॉडी के लिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो जो चीज आपको अवॉइड करनी है ना आपकी पीसीओडी में, वो सब चीजें अवॉइड करके रखिए कुछ टाइम के लिए. दूध ना लेकर आमंड मिल्क ले लीजिए, सोया मिल्क ले लीजिए, कोकोनट मिल्क ले लीजिए, ये सब ले लीजिए. जिंजर टर्मरिक टी, जिंजर टर्मरिक टी पीसीओडी में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे मैंने आपको कहा था. इसके अलावा जिंजर टर्मरिक टी, जो जिंजर और टर्मरिक होता है ना, जो नेचर हैज क्रिएटेड वेरी ब्यूटीफुली एक्चुअली, जो जो आपके पेपर डालते हैं ना हम लोग जिंजर टर्मरिक टी में, वो हल्दी की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. तो जो ये आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप जो भी खा रहे हैं ना उसका आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलता है. प्लस इसके अलावा, न्यूट्रिशन के अलावा, आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो रहा है, आपकी फैट बर्निंग भी फास्ट हो रही है. तो आपका फैट भी बर्न हो रहा है, आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा इसके साथ. जंक फूड थोड़ा अवॉइड करेंगे, थोड़ा नहीं अच्छा सा अवॉइड करेंगे. स्टार्ची फूड, मैदा से बनी चीज, पेस्ट्रीज, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है. आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. और जो भी आप फॉलो करेंगे उसे याद रखिए, आपको लाइफस्टाइल बनाना है, इट्स नॉट अ सिंगल डे प्लान, राइट?